सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक हो जी? सो दोस्तों, हम लोग कल रात शिमला से तकरीबन 15 किलोमीटर पीछे रुक गए थे इस जगह पे। बहुत खूबसूरत जगह है पीछे, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, तकरीबन 9 बज गए हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे। और देखिए भाई, एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, प्लीज़ आप लोग ना यार ये जो रोड साइड पर लगा के बैठते हैं ना रेडी वगैरह, आप प्लीज़ इनके पास भी जरूर रुका कीजिए, इनके भी कुछ सेल करवाया कीजिए जरूर। बहुत अच्छा बनाते हैं ये लोग भी, भले ही थोड़ा गरीबी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं लेकिन साफ सफाई बहुत रखी है, खाना वगैरह अच्छा बनाते हैं ये। अभी सह भाई को जहाँ ब्रेकफास्ट कराते हैं और मैगी वगैरह खिला के जहाँ से निकलते हैं, थोड़े इसको अंडे वगैरह भी खरीदने, अंडे वगैरह खाता है, तो जहाँ से लेके फिर चलते हैं आगे। रुकना, अंडे लेने हमें इधर आ जा। देसी अंडे क्या? हाँ हाँ, देखो भाई, सह भाई को अंडे चाहिए थे, कितने देसी अंडे मिल गए हमें। ये सारे के सारे अंडे इन भाई साहब ने दिए हैं, देसी अंडे देते हैं ये भाई साहब, देसी अंडे देते हैं। सैफ ने तो दो अंडे खा लिए भाई। अंडे देते हैं भाई, शर्मा क्यों रहा भाई? ये अगर बंदा जो शिमले में मिले तो इसी से अंडे लेने देती, अंडे इसी से लेने। फाइनली अभी जाकर जाम खुला है यहाँ से, कुफरी की तरफ जाना है। सर कुफरी इस तरफ है, सर कुफरी। थैंक यू। तो ये टनल है, ये फर्स्ट टनल है हमारी इस ट्रिप की, तो ये रूट जाता है कुफरी को। स्नो पड़ती है तो ये पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। मैं पहले 2-3 बार स्नो में यहाँ आया हूँ, इस वक्त मेरा चैनल नहीं था। दोस्तों हम लोग अभी शिमला में हैं, हम लोग कुफरी रोड पे हैं। इस रोड पे आपको जो होटल हैं वो बहुत बजट में मिल जाएंगे, तकरीबन 700-800 हज़ार नॉर्मली यहाँ पर। सीजन में थोड़ा महंगा हो जाता है, 2-4-5 सौ, अदरवाइज ये रेट रहता है 1000 के अंडर मिल जाते हैं। और ज़्यादा टूरिस्ट इसी रोड पे आता है ज़्यादातर। अगर आप यहाँ से ऊपर सीढ़ में चल जाएंगे तो आप माल रोड जा सकते हैं, वहाँ से सीढ़ी के लिए जा सकते हैं। ये रोड है कुफरी रोड, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रोड एंड मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट।
दोस्तों ये है कुफरी, यहाँ से कुफरी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप गाड़ी लगाकर फिर आपको घोड़े वाले घुमाने लेकर जाते हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि भाई हम लोग अभी कुफरी में हैं, तो थोड़ा भूख लगी हुई थी, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्रेड हम और जैम लगा के ब्रेड खाते हैं और साथ में चाय बना लेते हैं। अभी ज़्यादा ताम झाम नहीं करेंगे हम लोग, और यहीं पे गाड़ी के अंदर ही मैंने ये देखिए छोटा सा सेटअप अपना रेडी कर लिया है, यहीं पे अंदर ही बैठ के बना लेंगे चाय, तो यहीं पे बैठ के खा लेंगे। ज़्यादा अगर हम सामान बाहर निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा। तो ये है चीनी डाल रहे हम लोग। चीनी थोड़ी तेज ही डालेंगे, पत्ती भी खत्म। तो हम लोग भाई अभी साथ में ही ये है पीनट बटर, तेरे पास मैंने वो ये लो भाई दोस्तों, ये बन गया साडा ब्रेड पीनट बटर एंड जैम, और चाय साडी रेडी है, चाय भी बन गई है चाय, और हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। देखो कैसे लाल लाल चाय आ रही है, हाय 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 हाय। बस भाजी बस गिरा गिरा मत लेना, ये हिलेगा तो गिर जाएगा। अरे रुक दे रुक दे, तुम्हारा वो दूखे वाला है ना ग्लास, पहले मेरे को घुमाने देना फिर तुम बाद में घुमा लेना। चाय बहुत अच्छी बनी है भाई, इतना जल्दबाजी में बनाया ना, कम स्पेस पे उतना ही ज़्यादा अच्छी बनी है चाय। तो दोस्तों ऐसी बात है कि हमने भाई अपना
चाय पी ली, आपको क्या बोले, लंच बोले कि ब्रेकफास्ट बोले, डेढ़ बज चुका है। चाय पी ली हमने, साथ में पीनट बटर और जैम लगाकर ब्रेड खा लिया है। अब थोड़ा पेट में कुछ चला गया, सही हो गया। तो अब हम लोग जितना हो सकता है उतनी स्पीड से गाड़ी भगाएंगे और जल्दी से जल्दी रामपुर को क्रॉस करेंगे और फिर शांगला वैली में एंट्री करनी है आज हमें। तो चलिए चलते हैं, फिर आगे चल के मिलते हैं, और जो भी खूबसूरत लोकेशन आएगी वो आपको जरूर दिखाते हुए चलेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है यार, एक लाइक जरूर कर देना। साइड में रुकेंगे बाहर, क्योंकि गाड़ी गुड़ी लगाने का भी देखना है, बाहर में निकल के लगा हाई एल्टीट्यूड एरिया है। देखो भाई दोस्तों, सन लगे से भुख यार कुछ खाता नहीं है, सवा एक हो गया। तो ये रास्ते उत्ते मोमोज बेच रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कि हम ना अभी यहाँ रुके हैं, थोड़ा 5 मिनट की ब्रेक लिए, तो थोड़ी भूख लगी हुई थी, सोचा कि चलो भाई रोड पे मोमोज का स्टॉल था एक, हमने सोचा चलो आज मोमो खा लेते हैं। काफ़ी साफ सफाई रखी हुई है इन्होंने, रामपुर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर साइड तरफ है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इनका सेटअप, ये देखिए ये कुछ ऐसा है, इनका सेटअप है, बड़ी साफ सफाई है पूरा। देखो अच्छा, आप जब भी कभी जा रहा हो इन रोड साइड जो लोग करते हैं ना, हर की मजबूरी होती है घर की है ना, सबको रुकना चाहिए यार। होटलों में तो सभी खाते हैं, इनके पास भी रुका करो, 100-200 रुपए इनको भी यार जरूरत है, इनके भी है ना, हर एक तरह से हेल्प करना चाहिए आपने है ना लोगों को। तो दोस्त तो जे लीजिए भाई, हमारे मोमोज आ गए हैं। तो एक प्लेट लिया हमने, हाफ ऑफ किया, देखते अगर हमें अच्छे लगे तो फिर और ले लेंगे बाद में, तो खा के देखते हैं टेस्ट।
चलिए खाते हैं फिर। तो दोस्तों मोमोज बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया स्वाद है यार। जब आप लोग ट्रैवल करने निकलते हैं ना घूमने, तो ये रोड साइड ये होते हैं ना लोग, इनसे जरूर खाया करो, बहुत टेस्टी सामान होता है इनका। और सब जब हमारे पास में चार पैसे आ जाते हैं ना, तो हम लोग अपना स्टैंडर्ड दिखाने लग जाते हैं, ठीक है ना। कभी मैकडोनल्ड, वैसे मैं वो आपकी इच्छा जहाँ मर्जी जाइए, लेकिन यार क्या 100-200 रुपया, एक तो सस्ता मिल जाएगा, एक टेस्टी और हाइजीनिक बहुत। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया है ये बना हुआ, इनसे आप ज़रूर खाया कीजिए यार, ठीक है ना, क्योंकि इनको भी अपना घर चलाना है, बच्चे पाल रहे हैं वो। तो इतना शुरू हो गया जी रामपुर शहर भाई, ये रामपुर शहर इतना शुरू हो गया जी सारा। लेफ्ट हैंड है ना जेड़ा, ये सारा रामपुर शहर है, रोड तो दूसरी साइड है। तो मेन चौक है जी रामपुर शहर का, डीजल करवा रहे हैं इतने, रेट 83 रुपए है साढ़े नालों, फिर भी तकरीबन 4 रुपए सस्ता। इतने डलवा लेने, पता नहीं अगे मिले या ना मिले। तो दोस्तों ये आ गया जी एक फुहारा, इतने लोग गड्डियां धोने के बाद पानी भर रहे हैं, पर इतने लोग गड्डियां धोते हैं ज़्यादातर, गाड़ी धोई जाती है यहाँ पर।
जहाँ से चितकुल के लिए हम लोग हो जाएंगे राइट हैंड, राइट साइड, हाँ राइट हैंड हो गया, और जो काजा की तरफ जाएगा वो पू काजा वो सामने चला जाएगा स्ट्रेट, और हम लोग जा रहे हैं चितकुल। देखिए भाई, बात ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है इस तरफ, तकरीबन 5:15 ही अंधेरा होना शुरू हो गया था, तो अभी 6 बज चुके हैं, इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया कि हम लोग आपको कुछ दिखा नहीं पा रहे। तो भाई देखिए, बात ऐसी है कि हम लोग चितकुल पहुंच चुके हैं फाइनली, काफ़ी अंधेरा हो गया है, हम लोग पहुँच गए। गाड़ी लगा के देखो भाई, असीं पहुंच गए हैं जी, चितकुल पहुंच गए हैं, 6:30 पूरे 6:30 हो गए, तो सारे इतने तकरीबन जल्दी सो गए हैं लोग। आप इतने रूम से ऊपर, और ये दूसरा है। तो देखिए भाई, हम लोग रूम में पहुंच चुके हैं, ये हमारा रूम है, कुछ ऐसा है, हमें ये रूम पड़ा है 700 रुपये पर हेड, 700 रुपये का रूम मिला है। ये बाथरूम है इस तरफ, बहुत अच्छा रूम है, साफ़ सुथरे बिस्तरे, देख सकते हैं आप रजाइयाँ कैसे चमक रही हैं, बहुत सफाई है ऊपर, तो रूफ तो इनका ऐसा ही होता है, लेकिन ये देखिए, ये पूरा लकड़ है, देवदार की लकड़ लगी हुई है ये, लेकिन बहुत खूबसूरत है ये। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग अब चितकुल में, हमें रूम मिल गया है, हमने रूम ले लिया है। तो यार यहाँ ना ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ अभी, मैंने ये वाला है, ये देखिए, ये वाला कैन मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ऑक्सीजन का, ये मैंने चंडीगढ़ से लिया था मेडिकल स्टोर से, तो अभी मैं इससे थोड़ा लूँगा, एक बार इसका मैं यूज़ करूँगा। यो आप जब भी लद्दाख जाओ, चितकुल जाओ, या फिर अपना काजा वैली की तरफ जाओ, कुछ नहीं यार, 500-600 रुपये ये आपकी जान बचा सकता है, इसे आप ज़रूर साथ में कैरी कीजिए। ये इस बात का बात बोले कि हमारा शरीर बढ़िया है, ये वो,
कुछ भी हो सकता है, आप इसका जरूर इसे जरूर अपने साथ कैरी कीजिए। कुछ नहीं जहाँ इतना पैसा खर्च के 500-600 रुपये में कुछ नहीं होता, जरूर ये साथ में रखिए ऑक्सीजन और थोड़ी बहुत अपनी मेडिसिन। बीपी वगैरह यहाँ लो हो जाता है, हाई हो जाता है एकदम से, तो ऐसा करिए सर भाई। ठीक हो जी? हाँ ठीक हूँ मैं। ना आप ठीक है ना? हाँ अभी कुछ ठीक महसूस कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा चलने के बाद दिक्कत होती है। सो प्लीज़ दोस्त, अभी हम खाना हमने इन्हीं को ऑर्डर कर दिया जिनसे रूम लिया है, वहीं खाते हैं उनसे, दाल रोटी मिल जाएगी तो खाएंगे, फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। सो दोस्तों ऐसा है कि देखिए हमारा खाना आ गया है, डिनर रात का, एक अंडे की बुर्जी है साहब भाई की, देसी अंडे की, ये मैंने दाल ले ली है, तो कुछ चपाती ली है, लाइट सा खाएंगे क्योंकि रात का समय है। एक थोड़ी ऑक्सीजन की दिक्कत है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है ऑक्सीजन की वजह से यार। तो खाते हैं और फिर खा के थोड़ा आराम करते हैं और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं एंड कर देंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा TSK ट्रैवल वर्ल्ड के साथ।